नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइफ सुविधा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ में शेयर करने वाली बहुत ही टेस्टी और सर्दियों की स्पेशल रेसिपी जो आपको बेहद पसंद आने वाली है। खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि आप एक बार इसे बना लेंगे तो बार बार आपका मन करेगा इसे बनाने के लिए। और ये बनाना बेहद आसान है इसको बनाना, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर ये 2 कप गुड़ लिया है। अभी इसमें 1 कप यहाँ पर पानी डाल देंगे। उसके बाद इसे अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे। तो गुड़ को हम मेल्ट होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने ये 1 कप यहाँ पर ये गेहूँ का दलिया होता है ना, वो लिया है। अभी इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल कर धो लेंगे 2 से 3 बार पानी में। उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में इसे रख देंगे और 2 गिलास इसके अंदर पानी डाल देंगे। अभी देखिए, अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, यानी पक चुका है। अभी ये देखिए, इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद यहाँ पर अभी दूसरी तरफ गुड़ भी अच्छी तरह से पक चुका है, तो गुड़ इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी, और दूध के साथ खाई जाए तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। बगैर दूध के भी आप इसे खा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें घी लगाकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, अभी इसे पकने देते हैं 4 से 5 मिनट तक। और 5 मिनटों के बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये रेसिपी बनकर तैयार है, जो मैंने बनाई है दलिये से। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे सर्व भी कर लिया है। बहुत ही अच्छी ये बनकर तैयार हुई है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और ऊपर से इसमें देसी घी लगा लेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाए। तो देसी घी लगाकर इसे सर्व किया है मैंने। आप चाहे तो इसे दूध डालकर भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती खाने में। उम्मीद है दोस्तों, आप भी एक बार जरूर ट्राई करेंगे और आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।